हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी भाषा या किसी भी विषय को समझने के लिए उसमें लिखे हुए शब्दों का अर्थ जानना हमारे लिए निहायत ही जरूरी होता है। कई बार होता क्या है कि जब हम किसी भी माध्यम की परीक्षा दे रहे होते हैं तो किसी न किसी शब्द के अर्थ को हम समझ नहीं पाते और उसका परिणाम यह होता है कि जो हमारा प्रश्न होता है, क्वेश्चन होता है, उसका आंसर या तो हम गलत लिख देते हैं या फिर हम उसे छोड़ देते हैं। और इसी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समय समय पर आपको हिंदी भाषा के कठिन शब्दों का अर्थ बताती रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, शब्दार्थ भाग दो। दोस्तों, इससे पहले शब्दार्थ भाग एक में भी मैंने आपको हिंदी भाषा के चुनिंदा कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे। इससे आगे और जितने जरूरी शब्द हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको उनका मतलब बता सकूँ। तो शुरू करते हैं अपने आज का अध्याय, शब्दों को देखते हैं और उनके अर्थ आपको मैं बताती रहती हूँ। शब्द है अर्थवान। क्या मतलब होता है इसका? प्रयोजन युक्त, अवगत, कोई जानकारी, उजागर, प्रकट करना, प्रकाशित करना या हमारे एकदम सामने आना। अखंडता, जो कभी खंडित नहीं होता। आपूर्ति, संतुष्टि। अभियान, यानी कि दल बल सहित चल पड़ना, कोई भी काम शुरू करने के लिए अभियान करना। श्रमजीवी, श्रम से यानी कि मेहनत से जीविका चलाने वाला, मेहनत से अपना गुजारा करने वाला। संवाहक, ले जाने वाला यानी कि कोई वाहक। प्रजातियाँ, जीव के विभिन्न प्रकार की जातियाँ। निर्वाह, वहन करने वाला। पुख्ता, इसका मतलब होता है पक्का, मजबूत। संवर्ग, अपनी ओर समेटना। फीसदी, प्रतिशत यानी कि 100% परसेंट जिसे आप कहते हैं। व्यापक, विस्तृत या चारों ओर फैला हुआ। त्वरित, बहुत जल्द। समीक्षा, छानबीन या जांच पड़ताल करना। मानदेय, किसी कार्य या सेवा के बदले दिया जाने वाला धन। निजात, किसी से छुटकारा पा जाना। अंक शेपन, बही खातों की जांच या फिर आप इसे लेखा परीक्षण भी कह सकते हैं। प्रावधान, नियम या कानून, व्यवस्था या फिर किसी कानून के साथ कोई शर्त रख देने का कार्य। अहमियत यानी कि महत्व। प्रायोजक, ये होता है ना रेडियो, दूरदर्शन आदि के कार्यक्रम को आर्थिक सहयोग देने वाली वह कंपनी जिसके बदले उसके उत्पादों का विज्ञापन किया जाता है, जो टीवी में और एड आते हैं, और जो एड जो कंपनी देती है वो उसके बदले में उनको धन देती है, उसे कहते हैं, जो कंपनी धन दे रही है वो कंपनी कहलाती है प्रायोजक। निस्तारण, निकालने की क्रिया या बंधनों से छुटकारा। निवारण, रोकने, हटाने या दूर करने की क्रिया या अवस्था। वरीयता, रैंकिंग या वरीय यानी कि बड़े होने का भाव। अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना। चेतावनी, किसी को धमकी देना या आगाह करना। संसाधन, काम की तैयारी या फिर आयोजन, भरण पोषण, विकास आदि की सामग्री। सघन क्या होता है? घना या ठोस। वृष्टि, आप इस बारिश को भी कहते हैं बरसात। आकाश से जल बिंदुओं का गिरना। भागीदारी, हिस्सेदारी। विसर्जन, त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। सुमेलित, मिलता जुलता यानी कि मैचिंग। भयावह, डरावना या भयानक स्थिति। आंकड़ा, संख्या विशेष रूप से जो आधिकारिक आंकड़ों का हिस्सा है या किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित है, उसे हम आंकड़ा कहते हैं। प्रविष्ट, जिसका प्रवेश हो चुका है। पारदर्शिता, पदार्थों के आर पार देखे जा सकने का गुण यानी कि ट्रांसपेरेंसी। स्वावलंबी, अपने ही सहारे पर रहने वाला। जवाबदेही,
उत्तरदायित्व या जो जिम्मेदार होता है, विवरणात्मक जो किसी प्रकार के विवरण से संबंध रखता हो और उसमें सहायक हो, ज्ञापन जताना बताना या फिर प्रकट करना, उपागम पास आना या घटित होना, समन्वय नियमित क्रम या संयोग, भूमिगत भूमि के अंदर छिपा हुआ या कि छुप जाना, विपणन विक्रय या व्यापार, वितरण बांटना यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, दोहन प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि ये वन्य संपदा या खनिज आदि का अनियंत्रित उपयोग या फिर किसी का शोषण करना, ये जो हम जंगलों को काटते रहते हैं या फिर जैसे अमीर गरीबों का शोषण करते हैं, ये सब दोहन में आता है। अवरुद्ध, अवरुद्ध का मतलब है रुकावट या बाधा। सहभागी, समान रूप से भागीदार या हिस्सेदार। इतिश्री, समाप्ति या अंत यानी कि पूर्णता। सर्वांगीण, सभी अंगों से संबंधित या समस्त शरीर में व्याप्त जो सभी अंगों से युक्त हो, इसे हम सर्वांगीण कह सकते हैं। संक्रमक, जो रोग संसर्ग आदि से फैलता हो, जो या फिर हवा पानी आदि के संक्रमण से फैलता हो। परिकल्पना, मन में किसी बात को गढ़ लेना या फिर ऐसी बात प्रस्तुत करना जो अभी प्रमाणित ना हुई हो पर हो सकती हो। घनिष्ठ, निकटतम या कोई समीप का या घनिष्ठ मित्रता को भी कहते हैं, जो फ्रेंडशिप दोस्ती। बीड़ा, जिम्मेदारी भार या फिर कठिन काम करने के लिए किया गया सार्वजनिक संपर्क संकल्प सॉरी किसी बहुत कठिन काम को करने के लिए लिया गया सार्वजनिक संकल्प, उसे भी हम बीड़ा कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह आगे और भी कठिन शब्दों का मतलब मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।